दीवारों पे ये सारी पेंटिंग्स लगा के सौंदर्यकरण कर रखा है इस जगह का ना, क्योंकि यहाँ पे सब श्रद्धालु आते हैं, तो जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, उन सब के स्वरूप हेतु कुछ ना कुछ दर्शाया गया है इन दीवारों पे, इन चित्रों द्वारा। तो बहुत ही अच्छा, हर हर चित्र पे उसके बनाने वाले का एक साइन है। जैसे ये अहमदाबाद अनिल त्रिमाली ने बनाया है, तो सारी रचनाएं बहुत अच्छी हैं और देखते अच्छे भाव उठते हैं मन में, श्रद्धा के, और मज़ा आ रहा है, अच्छा रास्ता है। घाट के रास्ते में हमें मिला है यहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर। जय हो सूर्य देव। तो पहिया चल के हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी घाट। बस वो सामने दिखाई दे रहा है, वो देखिए। देखा वो वहाँ हो रहा है सेंटर पॉइंट पे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई नाव या कोई राइड नहीं है जिसके थ्रू हम लोग वहाँ बीच में देखने जाएं। वैसे भी पानी बहुत कम है ना, कोई सफाई है, ज़्यादा क्लीन नहीं है घाट पे। सब लोग बस अपने अपने पूजा करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों ने आस्था के नाम पे फूल पत्र फल पन्नियाँ सब कुछ यहीं पर डाला हुआ है। यहाँ नीचे दिखो, तो अगर आस्था रखते हो तो ऐसा तो ना करें, नदियों के साथ गलत है। अभी हम हैं इस एरिया में, सोमनाथ टेंपल की पार्किंग में थे, तो इस एरिया का नाम है प्रभास पतन। बस अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए, मार्केट घूम लिए, तो अब हम लोग बस निकलेंगे। जो हम आपको दिखा रहे थे वो ये था कि इस एरिया के बिल्कुल सारी तरफ पानी ही पानी है। ये देखिए अरेबियन सी, और सोमनाथ टेंपल से आपको ओशन व्यू के लिए भी एक रास्ता जाता है। तो जैसे आपने देखा वहाँ से आपको सारा ओशन व्यू दिखता है। बिल्कुल सोमनाथ के इस मंदिर के पीछे ही पूरा भव्य सागर है। ये आ गए हम अपने होटल, होटल रिवर फ्रंट। और हम लोग आ गए हैं और होटल में चेक इन कर रहे हैं। बस रिसेप्शन तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है इन लोगों ने। आदि योगी जी की पोर्ट्रेट है यहाँ पे। और हमें मिला है रूम नंबर 106 इन होटल रिवर फ्रंट सोमनाथ। तो ये है हमारा रूम, यहाँ पर है बेड, बेड साइड, बैक साइड, और साथ ही में सोफ़ा, थोड़ा ओपन एरिया, और सामने है टीवी। सेंसर कंट्रोल, और यहाँ पर दिया हुआ है इन लोगों ने एक कबर्ड, और कबर्ड के साथ ही वी हैव अ मिरर, और यहाँ पर है वॉशरूम,
और यहाँ पर है एक छोटा सिटिंग एरिया रिलैक्स करने के लिए, ऊपर एसी। और ये सेक्शन भी रूम का इन लोगों ने बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है सोफ़ा के पास, वेरी नाइस एंड बिग रूम, वेरी क्लीन। और यहाँ पर है वॉशरूम, फिर लंच के बाद हम लोगों ने रूम में थोड़ा सा रिलैक्स किया चेक इन करके, और अब हम लोग निकल गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे जो कि है भालका तीर्थ टेम्पल, वो देखेंगे, उसके बाद देखते हैं बाणगंगा के दर्शन करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या प्लान रहता है। लेट्स गो। पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, अंदर आते ही देखिए ये है इस धाम का नजारा। अभी बस भालका तीर्थ धाम के दर्शन किए हैं। यहाँ की जो कथा इन लोगों ने यहाँ लिखी थी उसके अनुसार तो कृष्ण जी जब महाभारत के युद्ध के बाद विश्राम करने के लिए स्थान पर रुके थे तो उन्होंने अपना बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रख के विश्राम कर रहे थे, तो एक शिकारी भालका नाम के जिन्हें लगा कि उनका जो बायां पैर है दूर से लगा उन्हें जंगल से कि वो एक हिरण की आँख है, तो उन्होंने उसका शिकार करने के नियत से वो अपना तीर चलाया और जो कृष्ण जी के बाएं पैर पे लग गया। तो जब उन्होंने पास आकर देखा तो उन्होंने देखा ये तो स्वयं श्री कृष्ण हैं भगवान, तो उन्होंने बस झुककर उनसे क्षमा मांगी। उसी दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है और कृष्ण जी ने उन्हें क्षमा करते हुए यही बोला कि जो हुआ है वो मेरी स्वयं की इच्छा से हुआ है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं था। तो बस उसी स्थान को ये वरदान था कि जब भी मैं अगली बार इस धरती पे मनुष्य का जीवन लूँगा तब तुम्हें मेरा संहार करोगे। तो बस उसके बाद से लोग यहाँ पर उस समय को और उस इंसिडेंट को याद करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे इस स्थान की स्थापना की, ये पूरे मंदिर की, भव्य मंदिर की। ये देखिए